जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जिसमें कि लोग पूछते हैं भाई किस प्रकार ने किस बात का आशीर्वाद आपको दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें तो आपको दंड देना चाहिए, आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, दंड मिलना चाहिए। बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए, आशीर्वाद के हकदार आपने इस बात का। कौन सुखी है आपके राज्य? जाति जनजाति किसान मजदूर व्यापारी मध्यम वर्गी कोई कौन सुखी है? मैं तो आपके से पूछता हूँ, आपके खुद के घर में महंगाई का असर है कि नहीं? दैनिक जीवन पे असर पड़ा है, बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है, वेतन बढ़ नहीं रहा है, कर्मचारी भी परेशान है, कोई सुखी नहीं। ऐसे माहौल में जन आशीर्वाद यात्रा की हालत यह है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं लेकिन कुर्सियां खाली हैं, लोगों में गुस्सा आक्रोश। कांग्रेस सरकार आई थी, हम जो वादा करते पहले दिन से लागू कर देते, पहले दिन ही कमलनाथ जी ने कर्जा माफ करने का निर्णय लिया, बिजली का रेट कम करने का फैसला कर लिया था, और 15 महीने के अंदर हमारी सरकार रही लेकिन पूरी व्यवस्था हमारी नहीं। हम लोगों ने पहले दिन से फैसला कर लिया, अब भारतीय जनता पार्टी वादे करती है और आखिरी 2-3 महीने में अपना कुछ न कुछ शुरुआत कर देती है। अब लाडली बहना उनको 18 साल 19 साल बाद याद आ रही है, बिजली का बिल उनको उसके बाद याद आ रहा है, वसूली पूरी कर ली, लोगों की जेब से निकाल लिया 100 रुपये निकाल लिया और 10-15 रुपये डाल दिया, इससे जनता बेवकूफ नहीं बनती। हम लोग सब एकजुट होकर देश में लड़ाई लड़ेंगे और इस खरीद फरोख करने वाली सरकार इस बार जनता मौका नहीं देगी और इतना भारी बहुमत देगी कि उन्हें भी सरकार गिराने की हिम्मत ही ना। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है, आप इसको किस तरीके से? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है, लगातार आप शिवराज जी को और महाराज दोनों को घेर रहे थे, ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आप लगातार शिवराज और महाराज को ही घेर रहे हैं, देखते हैं कौन किसको निपटाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है, जहाँ भी सरकार उनकी रहती है वहाँ मिटा देती है। नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री कभी ऐसे वचन आपने सुने और इस प्रकार के भाषण सुने, ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री की पार्टी गरिमा को ये गिराते हैं। देखो जी, 2018 को जो जनादेश साहब को मिला था, जो छीन लिया गया, उस वक्त कांग्रेस ने क्या खरीद लिए, क्या रणनीति है? अब कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, टिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। क्या व्यापक घोटाला कांग्रेस के मुद्दों में शामिल होगा? 100% जो राम और जो व्यापक के घोटाले में बहुत सारे प्रकरण अभी भी पेंडिंग है, उनके चार्जशीट नहीं हुए, उसके अंदर भी लोग जांच कराएंगे, लेकिन उनके आरोपी फिर टिकट की लाइन में भी है, ऐसे में कांग्रेस के स्टेप उठाएंगे? कोई डायरेक्ट जो अपराधी उस पर रहा होगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। राम नरेश यादव जी और उनके बेटे, इसमें हुआ था FIR, उनकी बहू भी निवाड़ी से दम भर रही है, क्या कहना? बहू अपराधी नहीं,
भाजपा ने अपनी दो सूची निकाल चुकी है अभी तक टिकटों की, कांग्रेस के अंदर देख क्यों कर रही है? ऐसा है कि हम लोग अपने जनता के बीच पे जा रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चुनावी लगभग हमारी सूची तैयार है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर ये भी देखना है हमको कौन कहाँ कैसे लड़ रहा है। भाजपा ने केंद्रीय सरकार के बाद पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग हमेशा उठती है, आपने झांसी में भी कहा था कि आप पृथक राज्य के समर्थक हैं, अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो आप कितने इसके का समर्थन देंगे? बुंदेलखंड में आधा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आधा मध्य प्रदेश में, तो बात होगी तो पूरे बुंदेलखंड की बात तो राष्ट्रीय स्तर पर होगी। ये जो सत्ता है उसके सेमीफाइनल में अपने जो है ऑलराउंडर खिलाड़ियों को या कह रहे स्टार खिलाड़ियों को भाजपा ने उतार दिया है, इस पर आप बताएं। उत्तर दे चुका क्या कांग्रेस भी अपने केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव में उतारेगी, टिकट देगी सेंट्रल की? जो बात ये है हमारे पास नई बहुत इतनी जबरदस्त है, युवा इतने जबरदस्त हमारे पास है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे नए युवा नेताओं को प्रोत्साहन दिया जाए। इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश चुनाव में लागू होगा क्या, कांग्रेस किसी का समर्थन? ये हर निर्णय पार्टी अपने विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लेती है। अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी आए थे जनरल आशीर्वाद में, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे कि दिग्विजय जी या कांग्रेस के अन्य नेता जो ओबीसी आरक्षण बिल है उसको लेकर लगातार मुखर रहे और जनता को और ओबीसी वर्ग के लोगों को पागल बनाते रहे, इस तरीके के आरोप लगा। मैं एक बात बता दूँ, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग का ये आयोग बनाया था अर्जुन सिंह, मैं उस समिति का सदस्य था। हम लोगों ने शुरू से इनके पिताजी सुभाष यादव जी हमारे साथ, और तब से पिछड़ा वर्गों के लिए हम लोगों ने काम किया। पिछड़ा वर्गों को पंचायत राज में आरक्षण, पिछड़ा वर्गों को नौकरियों में आरक्षण, और आज भी चार मुख्यमंत्रियों में से तीन पिछड़ा वर्ग के हमारे। हम लोग मांग शुरू से करते आए हैं कि 2011 में जाति के आधार पर जनगणना हो चुकी है, आप उसको छुपा के क्यों बैठे? 2021 में जनगणना होनी थी, आपने की क्यों नहीं की? क्या दिक्कत है आपको? जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए, हम तो उसके पक्ष में हमेशा से रहे। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस आते ही हमारी सारी जो नई योजनाएं होती हैं बंद कर देती है। जैसे कई एक बता दो अभी तक की, हम सुनिए 18 में हमारी सरकार आई, कौन सी उनकी जनहित की योजना हमने बंद की, जरा बता दो, बताओ कई तीर्थ दर्शन यात्रा वो चालू थी और बताओ। तो ये लालजी मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो तो झूठ बोले, लोग मंच से आरोप लगा रहे हैं, वो तो झूठ बोले ना। और ये लालजी पहना और भी योजना चालू रहेगी, आपसे पूछा झूठ बोले ना। अरे लाडली बहना हमने पहले अनाउंस किया था 1500 देंगे, अब तो वो आने वाले दिनों में जो 21 साल की बहनें हैं उनको भी दे रहे हैं, तो कांग्रेस इस तरह का बात ये नहीं, ये कोई कंपटीशन नहीं है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं, मूल कारण क्या है? क्या लाडली बहना योजना से महंगाई कम हो जाएगी? क्या गैस की टंकी के भाव आज भी उन्होंने कहा घोषणा कर दी हम 400 रुपये किसी को मिल रहा है क्या? अरे अगर आप इतने ज़्यादा चिंतित थे तो आप लाडली बहनाओं का एक काम करते कि 1200 रुपये में गैस की टंकी आ रही है, 1000 रुपये उसमें सब्सिडी कर दे, 200 रुपये में मिल जाती आराम से टंकी, वो क्यों नहीं करी? फॉर्म भरवाओ, ऑनलाइन फॉर्म भरवाओ, OTP नहीं आ रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है। अरे महिलाओं ने अपने घर में बेटे को भाई को और पिताजी को और पति को इसी में दौड़ाए रखा कि हर बार फॉर्म भरवाओ, एक एक फॉर्म भरवाने 1000-2000 रुपए ऐसे ही ले लिए दलालों ने भाजपा के। भले राजनीतिक चर्चा ये भी आ रही है कि दिग्विजय जी ने उमंग जी की बगावत को कैश कराने के प्रयास शुरू कर दिए, क्या कहेंगे? बगावत ठीक है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।